जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्लीटिंग अ प्रेजेंटेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने प्लानिंग के बारे में चीज़ों को डिस्कस किया, डिलीवरिंग के बारे में डिस्कस किया, और किस तरह से आप प्रेजेंटेशन की इन्हांसमेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि कंप्लीट करना प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन के जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीटिंग अ प्रेजेंटेशन है। When you talk about completing a presentation, तो इसमें आपने क्या करना होता है? Finalize slides and support. Slides और support से क्या मुराद है? कि slide वो है जो आप audience को दिखा रहे होते हैं, और support वो होती है जो कि details आपके पास होती है, कुछ notes होते हैं जो कि आपके पास मौजूद होंगे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से explain कर सकें। और अपने स्लाइड्स को बड़े एक आप समझ लीजिए कि बड़े एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है, क्योंकि स्लाइड्स सम टाइम आपकी प्रेजेंटेशन को तबाह कर देती हैं। अगर आपने हर चीज़ को स्लाइड के ऊपर डाल देंगे तो आप बिल्कुल ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी जैसे कि यू आर रीडिंग समथिंग, जैसे कि आप रीड कर रहे हैं, और उसका इतना को अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो स्लाइड्स होती हैं वो आपने बड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज की हो, उसके ऊपर जो मटेरियल है आपका वो अच्छे तरीके से अरेंज हो, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाती है। तो इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, टाइटल स्लाइड्स, एजेंडा स्लाइड्स, प्रोग्राम डिटेल स्लाइड और नेविगेशन स्लाइड्स। ये स्लाइड्स के डिफरेंट किस्में हैं। टाइटल स्लाइड्स ऐसी स्लाइड्स होती हैं जो कि आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। एजेंडा स्लाइड्स जिसमें आपने बताना होता है जी कि आज की प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें हमारी होंगी, और प्रोग्राम्स डिटेल्स के जिसमें आपने डिटेल्स बतानी होती हैं, और नेविगेशन स्लाइड्स के जिससे एक स्लाइड से आपने दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव करना होता है। तो ये सारी स्लाइड्स जब मिलेंगी तो फिर जाके आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन होती है। अगर आप टाइटल स्लाइड्स या बाकी जो स्लाइड्स हैं उनको अगर आप शामिल नहीं करते, सिंपल प्रोग्राम डिटेल्स बता देंगे, तो समटाइम उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो मज़ीद डिटेल इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि आपने जो स्लाइड्स हैं और जो सपोर्ट है उसकी, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। प्रेजेंटेशन मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मटीरियल है वो किस किस्म का है, और उस मटेरियल को आगे आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है। आपके कई तरीके हैं जिनको तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो तरीका है, नंबर वन है जी मेमोराइजिंग, देन रीडिंग अ स्क्रिप्ट, देन यूजिंग नोट्स। मेमोराइजिंग में क्या होता है कि अगर शॉर्ट प्रेजेंटेशन है आपकी, एक मिनट दो मिनट की अगर प्रेजेंटेशन है, तो फिर तो आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। नो डाउट इट्स द बेस्ट वे कि आपको चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हों, आपने चीज़ों को मेमोराइज़ किया हो, और अगर चीज़ें आपके पास मेमोराइज़ हैं, आपके माइंड में हैं, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट या इसकी जो डाउन साइड्स है वो ये है कि जब आप चीज़ों को याद किया होता है तो सम टाइम आपके ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बाज़ूकात आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, बाज़ूकात आप चीज़ों को भूल सकते हैं, स्टेज फ्राइट है, ऑडियंस का डर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज हैं, बड़ी आपने प्रैक्टिस की है, तो नो डाउट सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो वही है कि चीज़ें आपके माइंड में आपने मेमोराइज किया हो, तो आप फिर अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप ये चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकते। अगर 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो चीज़ों को याद करना इतना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो टाइप है प्रेजेंटेशन की या मेथड है प्रेजेंट करने का, दैट इज़ रीडिंग अ स्क्रिप्ट। क्या आपने हर चीज़ को लिख लिया है और आप जो है वो रीड कर रहे होते हैं? तो बेशुमार जगह पे ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने चीज़ों को लिख के पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी आपने रिसेंटली जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों को भी आपने देखा है कि उनके पास स्क्रिप्ट लिखा होता है। इवन नॉट ओनली पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लिखी हुई चीज़ को बोल रहे होते हैं। अभी मैं लास्ट वीक में मलाला की प्रेजेंटेशन जो है वो सुन रहा था लम्स के अंदर। उन्होंने ऑनलाइन जब लम्स की ओरिएंटेशन थी पिछले वीक, तो उन्होंने मलाला को एज अ स्पीकर लिया हुआ था, कि जो ऑनलाइन ही ओरिएंटेशन थी,
तो उसमें जितना भी उसने बोला आधे पौने घंटे के लिए, एवरीथिंग वाज रिटन। लेकिन वो एक बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। जब आपको पता हो कि चीज़ें ज़्यादा हैं और फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते, तो फिर आप लिख लें स्क्रिप्ट और उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तीसरा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, दैट इज़ यूजिंग नोट्स, कि आप नोट्स यूज़ करें, आप चीज़ों को मेमोराइज ना करें और हर चीज़ जो है उसको लिख भी ना लें, बल्कि आप क्या करें, पॉइंट्स लिख लें। वो पॉइंट्स आपके पास हों और वन बाय वन उन पॉइंट्स को देखते जाएं और एक्सप्लेन करते जाएं। इसमें क्या होता है कि आपने चीज़ों को मिक्स किया होता है, कुछ चीज़ें आपने मेमोराइज़ की होती हैं और पॉइंट्स की जो डिटेल्स है वो आपने मेमोराइज़ की है, और स्क्रिप्ट जो है वो लिखा पूरा नहीं लिखा बल्कि कुछ उसके पॉइंट्स लिखे हैं। तो जब यूजिंग नोट्स, तो इसमें दोनों चीज़ों को ही आप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो बेहतरीन तरीका होता है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेमोराइजेशन ही याद का तरीका अपनाएंगे या आप रीडिंग और स्क्रिप्ट का तरीका अपनाएंगे। दोनों को मिक्स करके आप कुछ नोट्स बना सकते हैं जिनमें से कुछ चीज़ें आपने मेमोराइज़ कर ली, कुछ आपने नोट्स बना लिए, और एक अच्छा, और आप समझ लीजिए कि आपका एक अच्छा इम्पैक्ट भी जाता है और आपकी स्टेज फ्राइट भी कम हो जाती है, क्योंकि नोट्स आपके पास मौजूद होते हैं। वो डर, वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता कि आप चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं। और फिर ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करने का भी आपको मैक्सिमम मौका मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि अब आपके पास हर चीज़ लिखी नहीं है, आपने जस्ट वो पॉइंट के लिए अगर आपने रीड भी किया है तो यू हैव रेड जस्ट वन पॉइंट, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने आई कांटेक्ट मेंटेन किया ऑडियंस के साथ, और उस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ यूजिंग नोट्स, कि आप नोट्स यूज़ करें और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लें, कुछ चीज़ों को याद कर लें। उसके बाद है जी प्रैक्टिस योर डिलीवरी। प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना, इट्स नॉट के एक दफ़ा किसी बंदे ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो हर दफ़ा उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होगी। प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की है तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और अगर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपने बड़े अच्छी, आपने हमेशा स्पीचेस की हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर वन स्पीच, आपने प्रैक्टिस नहीं की, एंड इफ़ यू आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं जी मैंने तो हमेशा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो ये मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया, तो क्या होगा कि वो डिज़ास्टर हो सकता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन आप अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। चेक योर टाइमिंग, डेफिनेटली आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर आपने बात को पूरा करना है, और अगर जो है वो आपके पास 20 मिनट हैं और आपने प्रिपेयर की है जी प्रेजेंटेशन एक घंटे की, तो उसमें 20 मिनट के बाद योर टाइम इज़ आउट, और जो मटेरियल 20 मिनट में आपने प्रेजेंट किया वो डेफिनेटली एक घंटे वाला 20 मिनट में नहीं कवर हो सकता था। तो आपको आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे आप बोलने जा रहे हैं, जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, आपके पास टाइम कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 मिनट्स हैं तो मेक श्योर कि आपका जो पूरा मटेरियल है उसको इतना प्रिसाइज और इतना कंसाइज और इतना क्रिस्प कर लें कि वो 10 मिनट के अंदर जो है वो आपका प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए। एक एक मिनट आपका कैलकुलेटेड हो के कब मैंने कौन सी बात करनी है, कब कौन सी बात करनी है, और ये कब होता है? जब आपने प्रैक्टिस की होती है। जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, अंदाजे से मटेरियल लिख लिया होता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम आपने फाइनल स्टेज पे ही प्रेजेंट करना है तो फिर आपके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो आपने टाइमिंग को ज़रूर चेक करना है। देन प्रैक्टिस द स्पीच, आप स्पीच को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप स्टेज पर आएँ और पहली दफ़ा आएँ और आपको आप गलती ना करें। गलती तो करेंगे, लेकिन जब आपने चीज़ों को प्रैक्टिस की होगी आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, आपके पास उसको सुधारने का मौका होगा, आप उसको बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, एक तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, स्टेज फ्राइट का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और फिर ये होता है कि उसको मैनेज करने का आपके पास टाइम नहीं होता, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज़ है वो है एंटीसिपेट क्वेश्चंस। क्वेश्चन एंटीसिपेट कीजिए, सोचिए, प्लान कीजिए कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है इसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। नो डाउट आपने मटेरियल प्रिपेयर किया है, आपको अंदाज़ा हो जाता है एज अ स्पीकर के जो है वो ऑडियंस इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चीज़ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी आप उनको कोशिश करें कि बजाय इसके कि वो क्वेश्चंस आपसे पूछें, आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ही उनको क्लियर कर दें, ताकि क्वेश्चंस का जो है वो काउंटर क्वेश्चन जो है वो कम से कम हो,
और जो जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो एंटिसिपेट कीजिए और उनके आंसर्स को उसमें शामिल कर दीजिए। तो जितना आपको डिस्टर्बेंस कम होगी, जितने आपके क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे, आपने जो स्पीच प्लान की होगी, जो मटेरियल प्लान किया होगा, वो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस जो है उसकी बड़ी ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करें तो टाइम की प्रैक्टिस करें कि आपने गिवन टाइम के अंदर अपनी स्पीच को पूरा करना है, आपको किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिस कीजिए, बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कीजिए, अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए, जेस्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप एंटिसिपेट करें और उनके आंसर जो है वो शामिल करें। दैट इज़ अबाउट कम्प्लीटिंग प्रेजेंटेशन। ये कम्प्लीटिंग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपने स्लाइड्स और जो सपोर्टिंग मटीरियल है उसको तैयार करना होता है। फिर जब मटीरियल आपके पास पूरा तैयार हो जाए तो आपने एक तरीका चूज़ करना है कि किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन दूंगा या दूंगी। उसमें आपके पास मेमोराइजेशन है, रीडिंग असिप्ट है, यूजिंग अ नोट्स है, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप इसमें जो भी आपका बेहतरीन तरीका होगा उसको आप चूज़ करेंगे। देन प्रैक्टिस योर डिलीवरी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपने टाइमिंग को देखना है कि टाइमिंग क्या है। फिर उसकी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन जो एंटिसिपेट कीजिए और उनके आंसर को इनकॉर्पोरेट करें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि कम से कम आपको डिस्टर्बेंस हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है जी डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने उसको डिलीवर करना होता है। तो डिलीवर करने में नो डाउट एक जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप स्टेज पे आते हैं तो स्टेज पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको बड़ा अजीबोगरीब सा फील होता है इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्टेज, और अगर आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा ऑडियंस को फेस नहीं किया हुआ तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप स्टेज पे आते हैं तो वो जो लोग आम से लगते हैं वो बड़े हॉरिबल लगना शुरू हो जाते हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे फील करते हैं। आप देखते हैं कि आप दो कदम चल के आए हैं लेकिन आपकी सांस फूल गई है, आपके दिमाग से चीज़ें आउट होना शुरू हो गई हैं, आप ट्रेमल करना शुरू हो गए हैं, शिवरिंग शुरू हो गई है। तो ये सारा क्या होता है, एंजाइटी। नो डाउट एक एंजाइटी जिसको आप स्टेज फ्राइट भी कहते हैं, फियर ऑफ ऑडियंस भी कहते हैं, या फियर ऑफ स्टेज भी कहते हैं, ये चीज़ एक होती है और एवरी पर्सन फील्स दैट। ये हर बंदे के लिए ये नहीं हो सकता कि जी कोई बंदा ये कहे जी मुझे स्टेज फ्राइट नहीं है, ऑडियंस का प्रेशर नहीं, हर एक के साथ होता है। लेकिन आपने जब चीज़ों को प्रेजेंट करना है, डिलीवर करना है, तो आपने क्या करना है, पहली बात है गेट कम्फर्टेबल। जब तक आप स्टेज पर कम्फर्टेबल नहीं होते तब तक आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकते। और कंफर्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मटेरियल जो है वो तैयार हो, आपकी तैयारी, क्योंकि स्टेज के ऊपर जो फर्स्ट 80 सेकंड होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं, और अगर आपके पास उन 80 सेकंड्स को गुजारने के लिए रेडीमेड मटेरियल है, आपको सोचना ना पड़े, आपने चीज़ों को प्लान किया हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आप ऑडियंस की वजह से जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उस पर क्या होता है आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप रिलैक्स फील करें। आपका जब देखेंगे जैसे 80 सेकंड गुजरते हैं आप कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है, शिवर करना भी बंद हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आ जाती है, वो सीरियसनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप वो नहीं स्टैंड कर सके वो 80 सेकंड्स, तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बीच में मुसलसल बोलते जाएँ। आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर पानी की बोतल है तो बीच में अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट आपने बोली है, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड यू कैन टेक अ सिप और स्टे ऑन मैसेज। स्टेज पे आके बाज़ का इस तरह जब आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो बाज़ का ऐसा होता है कि वो फिर डी ट्रैक भी हो जाते हैं, आप एक बात से किसी दूसरी बात पे चले गए, किसी ने सवाल पूछ लिया, उस सवाल का जवाब देते देते आपने टॉपिक ही बदल दिया, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेक आई कॉन्टैक्ट, आप आई कॉन्टैक्ट मेनटेन कीजिए। जो ऑडियंस हैं जब तक आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब उनको एंगेज नहीं करेंगे, उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात को कभी भी इंजॉय नहीं करेंगे। इसलिए आपने जब डिलीवर कर रहे हो तो मेक श्योर के यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। अगर एक बंदा है तो उसके साथ डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस। ज़्यादा लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं या आप पूरे ग्रुप को बात कर रहे हैं तो आपने इस तरह देखना है कि आपकी नज़र को आपने मूव करना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ आपने देखना है, ताकि हर बंदा फील करे कि आई एम कंफर्टेबल और मुझे जो है वो अटेंशन पे किया जा रहा है। कीप ऑन गोइंग, रुके मत। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ भूल जाती है, तो ये अब वक्त नहीं है कि चीज़ों को याद करने का। जो दिमाग में हैं चीज़ें
उनको कम से कम आपने कंप्लीट करना है, रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि बाज़ार बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है कि वो बीच में बिल्कुल रुक जाते हैं और वहाँ से स्टेज से उतर जाते हैं, ये चीज़ नहीं करनी। रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो एंड पे, हर प्रेजेंटेशन के एंड पे एक FAQs होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन या Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। उस पर आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है, और समटाइम ये बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन तो प्रिपेयर कर ली लेकिन यू डोंट नो कि आपसे किस किस्म का सवाल पूछ लिया जाए, और अगर आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं प्रिपेयर किया तो बाद का आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ों को जस्टिफाई करना। जब आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो तो यू हैव टू गिव ऑनेस्ट आंसर, ये बजाय गलत चीज़ बताने के। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो एक्सेप्ट दैट कि भाई मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको असबर याद हो, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता हो सकती, यू कैन एक्सक्यूज फॉर दैट। जो भी आपके पास आंसर है उसको ऑनेस्ट आंसर दीजिए और कंट्रोल करें अपनी चीज़ों को। बाज़ात ये होता है कि आपके पास जो है वो कोई समटाइम ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है या रिमार्क्स ऐसे होते हैं कि आप इमोशनल फील करते हैं, आपने चीज़ों को कंट्रोल करना है और चीज़ों को आपने कंक्लूड करना है। जो बात आपसे पूछी गई है आपने उसका कंक्लूजन बयान करना है, ताकि आपका जो रीडर है, जो जिसने क्वेश्चन पूछा है, वो सेटिस्फाइड हो सके और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लोज कर सकें।